अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हसन रज़ा और सून अपना यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ जिस पर स्टैट्स क्रिकेट के और जो मर्जिंग प्लेयर्स यंगस्टर्स हैं उनके बारे में PSL में और सीज़न 5 और 4 की डिस्कशन होगी। तो कीप वॉचिंग मी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको लेकर चलता हूँ सीज़न 5 में PSL, जिसमें 6 टीमें ऐड हुई हैं। मुल्तान सुल्तान भी टीम बहुत अच्छा खेल रही है और पेशावर जालमी के मैचेस भी बहुत अच्छे हुए हैं। 4 वेन्यू पे ये मैचेस हो रहे हैं PSL के। देखना ये कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरह से रन कर रही है। जितना रेवेन्यू है यहाँ पर पाकिस्तान में आ रहा है, स्पॉन्सरशिप बहुत अच्छी आ रही है। कराची किंग्स, पेशावर जालमी, मुल्तान सुल्तान, काफ़ी सपोर्टर्स जो हैं वो 12 साल बाद स्पेशली मुल्तान में क्रिकेट शुरू हुई है और PSL के मैचेस जो हैं मुल्तान में हुए हैं। 3 मैचेस जो हैं PSL के जो मुल्तान में हो रहे हैं। अब शिफ्टिंग PSL की जो है वो यहाँ पिंडी में आ रही है और देखना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कितने इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जो लास्ट 2 ईयर्स से डगआउट में बैठे हुए थे, वो इस टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं PSL की। आज़म खान जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मुइन खान के बेटे हैं, वो उन्होंने 250 किए हैं सो फार अब तक टूर्नामेंट में। कोटा ग्लेडियटर की तरफ से वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिन पे काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा था और डोमेस्टिक में उनको सिर्फ 2 मैचेस खेलने को मिले सीज़न में, जो कि वो काफ़ी हेल्दी भी हैं, उनकी फिटनेस इशूज़ बहुत ज़्यादा थे। और आइए देखते हैं कुछ स्टैट्स यंगस्टर पर पाकिस्तान के क्रिकेट के, उस पर डिस्कस करेंगे PSL सीज़न 5।